कृष्णानगर कॉलोनी में एक संयुक्त परिवार रहता था। उस परिवार में कामिनी और सरिता नाम की दो जेठानी देवरानी रहती थी। दोनों की एक एक बेटी थी। सरिता की बेटी का नाम था रूपल और कामिनी की बेटी का नाम था सपना। कामिनी की बेटी सपना दिखने में बहुत सुंदर थी। वहीं सरिता की बेटी रूपल का रंग सांवला था और चेहरे पर कई दाग धब्बे थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। सरिता के पति किशोर की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने जाया करती थी, लेकिन सरिता ने अपनी बेटी रूपल को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहे थे, लेकिन एक दिन सरिता का सीढ़ियों से उतरते वक्त पैर फिसल गया और सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। माँ सरिता की मौत की खबर सुनकर रूपल बुरी तरह रोने लगी। माँ, आप मुझे इस तरह छोड़कर अकेले नहीं जा सकती। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। रूपल को रोता देख कामिनी गुस्से से बोली, चुप कर मनहूस। इस तरह रोने से तेरी मरी हुई माँ वापस नहीं आ जाएगी। अब तेरी माँ का अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। एक तो पहले से इस घर में पैसों की इतनी तंगी है, ऊपर से अब तेरा खर्चा भी मुझे उठाना पड़ेगा। ये कहते हुए कामिनी रूपल को कोसने लगी। फिर अंतिम संस्कार हो जाने के बाद रूपल घर आकर अपनी माँ को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं दूसरी ओर कामिनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब कब तक अपनी मरी हुई माँ का माता मनाती रहेगी? जा रसोई में जाकर झूठे बर्तन साफ कर, सुबह से गंदे पड़े हुए हैं और घर की साफ सफाई भी करनी है। पर ताई जी, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे घर का काम करना बिल्कुल भी नहीं आता। आप मुझे कुछ और काम दे दीजिए। खाना खाने के समय तो चार जनों का खाना अकेले खा जाती है। काम चोर कहीं की, चुपचाप जाकर घर का सारा काम कर, समझी? ज्यादा जुबान चलाएगी तो तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी की बात सुनकर रूपल डर कर जैसे तैसे घर की सफाई करने लगी। उसके बाद झूठे बर्तन धोए। फिर थक हार कर रूपल जैसे ही अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी, इतने में वहाँ कामिनी आ पहुँची और गुस्से से बोली, अच्छा तो महारानी यहाँ आराम फरमा रही हैं? चल जल्दी से उठ और जाकर सपना बेटी के लिए खाना गर्म कर, वो स्कूल से आती ही होगी। ताई जी, मैं भी कल से स्कूल जाऊंगी। एक हफ्ते से मैं स्कूल नहीं गई। बढ़िया है स्कूल जाने वाली। तेरे स्कूल चले जाने के बाद क्या तेरी मरी हुई माँ घर का काम करने आएगी? जा और जाकर खाना गर्म कर। रूपल रोते हुए किचन में जाकर खाना गर्म करने लगी, लेकिन गैस की आंच तेज होने की वजह से सारा खाना जल गया। तभी वहाँ कामिनी गुस्से से चिल्लाती हुई आई और बोली, सत्यानाश हो तेरा, मुझे पता है तू मेरी बेटी से बहुत जलती है। तूने जानबूझकर खाना चलाया है ना? नहीं ताई जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मुझे माफ कर दो। मुझे सब पता है, तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मेरी बेटी स्कूल से आकर खाना ना खा पाए। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, एक दिन भूखी रहेगी, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। इस तरह आए दिन कामिनी का अत्याचार रूपल पर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब रूपल और सपना दोनों बड़ी हो चुकी थी। जहाँ रूपल एक नौकरानी की तरह घर का सारा काम किया करती थी, वहीं कामिनी की बेटी सपना सारा दिन भर आवारा दोस्तों के साथ बाहर घूमा करती थी। कामिनी के ज्यादा लाड प्यार की वजह से सपना बहुत ही जिद्दी और घमंडी बन चुकी थी। वहीं कामिनी अपनी बेटी सपना की हर जिद पूरी किया करती थी। एक दिन की बात है, जब ये बात सपना को पता चली तो वो खुश होते हुए अपनी माँ कामिनी से बोली, मॉम आपको पता है हमारी कॉलोनी में अगले हफ्ते ब्यूटी कॉम्पिटिशन होने वाला है और जो कोई भी इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा उसे पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम मिलेगा। साथ ही साथ उसे फिल्मों में काम करने का मौका भी मिलेगा। मॉम, मुझे फैशन कॉम्पिटिशन किसी भी हालत में जीतना है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता है ये कॉम्पिटिशन तू ही जीतेगी। पूरी कॉलोनी में तुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। मॉम, इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए मुझे ब्रांडेड और सबसे महंगा गाउन चाहिए। मैं पूरी कॉलोनी में सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। क्यों नहीं मेरी राजकुमारी बिटिया, मैं तुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड गाउन खरीद कर दूंगी। दूर खड़ी रूपल उन दोनों की बातें सुन रही थी। ब्यूटी कॉम्पिटिशन की बात सुनकर रूपल से रहा नहीं गया और वो कामिनी से बोली, ताई जी मैं भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सस्ता सा गाउन दिला देंगी?
अपने? मनहूस कहीं की। तू अपना ये मनहूस चेहरा लेकर कॉम्पिटिशन में अगर जाएगी तो मेरी बेटी कॉम्पिटिशन कभी नहीं जीत पाएगी, इसलिए उस दिन तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझी? कामिनी की कड़वी बातें सुनकर रूपल दुखी होकर अपने कमरे में चली गई और मन ही मन सोचने लगी, क्यों ना मैं अपने हाथों से ही एक गाउन सिल लूं। बक्से में माँ की गुलाबी साड़ी रखी है, उसी साड़ी से मैं अपने लिए गाउन तैयार करूँगी। ऐसा सोचकर रूपल ने माँ की पुरानी सिलाई मशीन से दिन रात एक कर अपने लिए बहुत ही सुंदर गाउन सिलकर तैयार कर लिया। तभी सपना उसके कमरे में आ गई और इतना सुंदर गाउन देखकर ईर्ष्या से जलते हुए बोली, अरे इसका गाउन तो मेरे गाउन से भी ज्यादा सुंदर है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा नहीं तो ये ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीत जाएगी। ऐसा सोचकर सपना रात को रूपल के सो जाने के बाद चोरी छुपे उसके कमरे में गई और उसका गाउन चुराकर एक खाली स्थान में ले जाकर जला दिया। जब अगली सुबह रूपल सोकर उठी तो उसने देखा उसका गाउन कमरे में नहीं है। वो घबराते हुए गाउन को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी वहाँ सपना आई और बोली, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? दरअसल मेरा गाउन कहीं नहीं मिल रहा, मैंने बड़ी मुश्किल से सिलकर तैयार किया था, तुमने कहीं मेरा गाउन देखा क्या? अच्छा वो गाउन? वो गाउन तो मैंने चला दिया, तुम मेरी बराबरी करने चली थी ना, अब देखती हूँ तो कैसे बिना गाउन के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती है। सपना की बात सुन रूपल रोते हुए घर से दूर नदी किनारे जाकर बैठ गई। अब मैं क्या करूं? मैंने बड़ी हिम्मत से माँ की साड़ी से अपने लिए गाउन सिला था, लेकिन सपना ने मेरा गाउन चला दिया, अब मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। ये कहते हुए रूपल रोने लगी। तभी वहाँ से आसमान के रास्ते एक सुंदर परी गुजर रही थी। रूपल के रोने की आवाज सुन परी बोली, बेचारी बहुत दुखी लग रही है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। ये कहते हुए परी रूपल के पास गई। परी को अपने सामने देखकर रूपल चौंक गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, आप परी ही है ना? हाँ, पर तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। रूपल ने रोते हुए परी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर परी ने कहा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जादुई गाउन देती हूँ, इस गाउन के जादू से तुम ब्यूटी कॉम्पिटिशन अवश्य जीत पाओगी। रूपल परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी जादुई गाउन लेकर घर लौट आई। जैसे ही उसने गाउन पहनकर देखा वो परी की तरह खूबसूरत बन गई कि तभी सपना उसके कमरे में आ गई और रूपल को इतना सुंदर गाउन पहने हुए देख बोली, अरे रूपल तुम इतना सुंदर गाउन कहाँ से लेकर आई? ये गाउन मुझे एक परी ने दिया है। रूपल की बात सुन सपना ईर्ष्या से मन ही मन जलते हुए बोली, क्यों ना मैं इस गाउन को चुरा लूं? मैं इस रूपल की बच्ची को किसी भी कीमत में कॉम्पिटिशन जीतने नहीं दूंगी। ऐसा सोचकर सपना ने मौका पाकर जादुई गाउन चुरा लिया और अपने कमरे में ले जाकर उस गाउन को पहनकर देखने लगी। अब तो मैं ही विनर बनूंगी और 1,00,000 रुपए भी मेरे होंगे। ये कहते हुए सपना बहुत खुश हो रही थी, लेकिन गाउन पहनते ही सपना एक बदसूरत लड़की में बदल गई। अपनी ऐसी हालत देख सपना जोर जोर से रोने लगी। अरे मैं काली कैसे हो गई? अब मैं कॉम्पिटिशन कैसे जीतूंगी? ये कहते हुए सपना रोई जा रही थी। तभी जादुई गाउन में से आवाज आई, ये तुम्हारे किए की सजा है दुष्ट लड़की, तुमने बेचारी रूपल पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए तुम सदा अब ऐसे ही रहोगी। ये सुन सपना ने घबराकर जादुई गाउन को उतार फेंका और अपने किए पर पछताने लगी। वहीं दूसरी तरफ रूपल जादुई गाउन के जादू से ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीत गई और साथ ही उसे 1,00,000 रुपए का इनाम भी मिला। रूपल ने इनाम में मिले हुए पैसों से अपनी माँ के नाम से गरीब लोगों के लिए एक अस्पताल खोला। इतना ही नहीं, रूपल को फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला। धीरे धीरे रूपल नाम और शोहरत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इस तरह रूपल की जिंदगी जादुई गाउन के जादू की वजह से बिल्कुल बदल गई और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगी। जादुई दो सैंडल का जादू। माही जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ सुनीता का देहांत हो गया था। उसके बाद माही के पिता विनोद ने चंपा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। चंपा थी तो अनपढ़ लेकिन बहुत कपटी और लालची थी। माही को देखते ही उसकी आंखें गुस्से से भर जाया करती थी, लेकिन वो विनोद के सामने माही का बड़ा अच्छे से ख्याल रखती।
बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह। वही माही भी चंपा को अपनी माँ की तरह प्यार करती। चंपा और माही के बीच प्यार देखकर विनोद बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए, फिर एक दिन अचानक विनोद का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। माही पिता विनोद के इस तरह चले जाने से बिल्कुल टूट गई। पापा, अब मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? प्लीज आप वापस आ जाओ ना, भगवान जी मेरे पापा को वापस भेज दो। ये कहते हुए माही अपने पिता को याद कर रोने लगी। ये देख चंपा माही को दिलासा देने के बजाय डांटते हुए बोली, अपनी नौटंकी बंद कर, तेरा बाप अब वापस नहीं आने वाला, समझी? माँ अभी क्या बोल रही हो? ओह, लगता है आपको बाबा के जाने का सदमा लग गया है, शायद इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, मुझे कोई सदमा नहीं लगा। इतने सालों तक तेरे बाप ने मुझे दिया ही क्या था? बस सारा दिन भर नौकरानी की तरह घर का काम किया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आज से तू घर का सारा काम करेगी। माँ इसका मतलब इतने सालों से आप अच्छी माँ बनने का ढोंग कर रही थी? हाँ, क्योंकि मुझे इस घर के मालकिन जो बनना था, अब इस घर पर मेरा राज चलेगा। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंगिया देख रही है, जा जाकर मेरे लिए चाय बना। चाय? पर मुझे तो चाय बनाना आता ही नहीं। रसोई में कदम रखते ही तो सब सीख जाएगी, जा अब मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे ही सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चंपा का ये रूप देखकर डरते हुए माही रसोई में चली गई और चाय बनाते वक्त गलती से चीनी की जगह चाय में नमक डाल दिया। तभी हॉल में बैठी चंदा बोली, कितनी देर लगाती चाय बनाने में, अरे कहाँ मर गई? चाय अभी तक बनी नहीं क्या? इतने में माही चाय लेकर बाहर आई और बोली, ये लो माँ चाय। कमबख्त, पूरा आधा घंटा लगा दिया चाय बनाने में, यहाँ दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। ये कहते हुए चंदा ने जैसे ही चाय की चुस्की ली, फिर तुरंत ही गरम चाय का कप माही के ऊपर फेंकते हुए बोली, अरे नाशपीटी, ये तूने कैसे चाय बनाई है? सारा मुका स्वाद बिगाड़ दिया, जा यहाँ से और मेरे लिए शरबत बना कर ला, और अगर इस बार गलती की तो तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, समझी? रोते हुए माही रसोई में चली गई और अपने माता पिता को याद कर रोने लगी। इस तरह आए दिन चंदा माही पर बहुत जुल्म करती, घर का सारा काम करवाती, बदले में माही की सौतेली माँ उसे बासी खाना खाने को देती। एक दिन की बात है, माही हॉल की सफाई कर रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ चंदा वहाँ आई और बोली, सुनकल मोही, ये सब काम छोड़ और जंगल के उस पार जा, वहाँ एक बगीचा है जिसमें एक सेब का पेड़ लगा हुआ है। मैंने सुना है उस पेड़ के सेब खाने से कभी बुढ़ापा नहीं आता। पर मैंने सुना है वो बगीचा तो एक जादूगरनी का है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी, तुझे वहाँ जाना पड़ेगा और मेरे लिए सेब चुरा कर लाना ही होगा। अगर तू मेरे लिए सेब लेकर नहीं आई तो मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी, समझी? बेचारी माही करती भी क्या और सेब लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। माही के पास एक जोड़ी चप्पल भी नहीं थे, वो नंगे पैर ही चली जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसके पैरों में कांटा चुभ गया। आह, लगता है मेरे पैरों में कांटा चुभ गया, बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो मैंने जंगल भी पार नहीं किया, अगर मैं सेब लेकर घर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत मारेगी और घर से बाहर निकाल देगी। मुझे जैसे तैसे जंगल पार करना ही होगा। इतना कहकर माही दर्द सहते हुए आगे बढ़ती गई। काफी देर चलने के बाद वो उस बगीचे में पहुंच गई, जहां पर सेब के पेड़ लगे हुए थे। ये देख माही बोली, आखिर मैं पहुंच ही गई, जादूगरनी के आने से पहले मैं फटाफट से एक सेब तोड़ लेती हूँ। ये कहते हुए माही सेब तोड़ने लगी। तभी अचानक जादूगरनी ने माही को सेब तोड़ते हुए देख लिया, फिर वो गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, रुक जा दोस्त लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से सेब तोड़ने की? रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ये कहते हुए जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और माही को एक पिंजरे में कैद कर दिया। अपने आप को पिंजरे में कैद देख माही रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी। एक तो गलती करती है और ऊपर से कहती है छोड़ दूं, कौन है तू और तू यहाँ तक कैसे पहुँची? सच सच बता,
नहीं तो मैं तुझे अपने जादू से कौवा बना दूंगी। नहीं नहीं जादूगरनी जी, प्लीज ऐसा मत करना। दरअसल मेरा नाम माही है, मैं यहाँ से दूर एक गांव में रहती हूँ। मेरी सौतेली माँ ने जबरदस्ती मुझे यहाँ सेब चुराने के लिए भेजा था। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो मार मार कर मुझे घर से बाहर निकाल देती। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। इतना कहकर माही रोते हुए जादूगरनी को अपनी आपबीती सुनाने लगी। माही की इतनी बुरी हालत देख जादूगरनी को उस पर तरस आ गया और फिर जादूगरनी ने माही को पिंजरे से आजाद कर दिया। उसके बाद जादूगरनी बोली, रोना बंद करो माही, मैं तुम्हारी सारी आपबीती समझ गई। आज के बाद तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगी। इतना कह गए जादूगरनी माही को चमचमाती हुई सैंडल देते हुए बोली, माही ये मेरी जादुई सैंडल है, इन्हें पैरों में पहनते ही तुम्हारे पैरों में चुभा कांटा भी अपने आप निकल जाएगा। इनका इस्तेमाल करके तुम अपनी जालिम सौतेली माँ को सबक सिखा सकती हो। साथ ही इन सैंडल की शक्ति से तुम अपनी मनपसंद चीज हासिल कर सकती हो। अब तुम्हें जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मुझे ये जादुई सैंडल देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी। इतना कहकर माही ने खुशी खुशी जादुई सैंडल अपने पैरों में पहना और घर लौट आई। माही को आता देख चंपा बोली, अरे ये क्या, मैंने तो तुझे सेब लाने को कहा था और तू खाली हाथ ही लौट आई। निकल जा मेरे घर से, खबरदार घर पर कदम रखा तो। अब मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। जब से मेरे बाबा का देहांत हुआ है तब से तुमने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन अब और नहीं। ये घर मेरे बाबा का है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ये तो क्या बकवास कर रही है, कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? लगता है आज तेरी अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी। रुक जा, मैं अभी तेरी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। उसके बाद चंदा ने गुस्से से कोने में रखा हुआ एक मोटा डंडा उठा लिया और जैसे ही वो माही की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ी तभी माही बोली, हे जादुई सैंडल मेरी मदद करो, मुझे इस दुष्ट औरत से बचाओ। माही के इतना कहते ही जादुई सैंडल की शक्ति से देखते देखते ढेर सारे सैंडल वहाँ प्रकट हो गए और एक एक कर सभी सैंडल चंपा की पिटाई करने लगे। आह आह, कोई बचाओ मुझे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आह, अचानक कल मोही को जादुई सैंडल कहाँ से मिल गई? तभी जादुई सैंडल ने चंपा की पिटाई करते हुए उसे गांव से बाहर भगा दिया। फिर उस दिन से माही खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई सैंडल से मांग लिया करती। वहीं दूसरी तरफ चंपा रोते हुए अपने भाई जग्गू के घर गई और जादुई सैंडल के बारे में बताया। सारी बात सुन जग्गू ने कहा, तू चिंता मत कर बहना, अभी तेरा भाई जिंदा है। हम आज रात ही उस लड़की का काम तमाम कर जादुई सैंडल अपने कब्जे में कर लेंगे, फिर उन जादुई सैंडल की शक्ति का इस्तेमाल कर हम दोनों अमीर बन जाएंगे। फिर अपनी योजना को अंजाम देने के लिए रात होते ही दोनों भाई बहन माही के घर में दाखिल हुए। उस समय माही गहरी नींद में सो रही थी। ये देख जग्गू बोला, बहना यही सही मौका है, मैं अभी इसे जान से मार देता हूँ। इतना कहकर जग्गू ने डंडे से माही पर वार करना चाहा, तभी डंडा फूलों की माला में बदल गया। ये देख जग्गू और चंपा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर गुस्से में जग्गू ने पास रखा फूलदान उठाया, लेकिन इस बार भी जादुई सैंडल की शक्ति से फूलदान अचानक गायब हो गया। ये देख जग्गू घबराते हुए बोला, अरे ये क्या हो रहा है बहना, तुम मुझे किसके घर ले आई हो, कहीं ये किसी जादूगरनी का घर तो नहीं? तभी जादुई सैंडल उनके सामने प्रकट हुई और बोली, दुष्ट औरत, लगता है तू उस दिन की पिटाई भूल गई, जो तू अपने भाई को भी यहाँ ले आई। तुम दोनों माही को नुकसान पहुँचाने यहाँ आए हो ना? ठहरो, आज मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। ये सुनते ही चंपा डरते हुए जग्गू से बोली, भाई चल भाग यहाँ से, वरना जादुई सैंडल पता नहीं इस बार हमारे साथ क्या करेगी। फिर दोनों भाई बहन वहाँ से भागने लगे। तभी जादुई सैंडल में से एक तेज रोशनी निकली और उन दोनों को मेंढक और मेंढकी बना दिया। अब तुम दोनों मेंढक और मेंढकी बनकर तालाब के किनारे बाकी की जिंदगी बिताओगी, यही तुम दोनों की सजा है।
इस तरह दोनों को उनके किए की सजा मिल गई। फिर उस दिन के बाद से माही के जीवन में कोई परेशानी नहीं आई और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगी। जादुई लिपस्टिक का जादू। एक गांव में मधु नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही काली थी। उसके बड़े बड़े होंठ और नाक चपटी थी, इसलिए गांव के सभी लोग उसे काली बंदरिया कहकर चिढ़ाते थे। मधु की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था रानी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो भी मधु को उसके रंग रूप की वजह से उसका मजाक उड़ाया करती थी। मैं मार्केट जा रही हूँ, बताओ तुम दोनों के लिए कौन से रंग की ड्रेस लेकर आऊँ? बताओ मधु, तुम्हारे लिए कौन सा रंग का ड्रेस लेकर आऊँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ, काली बंदरिया तो काले कपड़े ही पहनेगी। देखो माँ, रानी मेरा कैसे मजाक उड़ा रही है। रानी, अपनी बड़ी दीदी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, चलो माफ़ी मांगो दीदी से। माँ, मैंने गलत क्या बोला? मैं नहीं मांगूंगी माफ़ी। बाहर भी लोग मधु का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन मधु कुछ बंदरों को केला खिला रही थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाले दो भाई बहन मालती और गोपाल वहाँ आए और बोले, अरे देखो देखो काली बंदरिया बंदरों को केला खिला रही है। इसे कहते हैं अपने जैसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना। ये जानवर तुम जैसे इंसानों से तो अच्छे हैं, कम से कम ये किसी का दिल तो नहीं दुखाते। तो ठीक है, फिर इन्हीं के झुंड में शामिल हो जाओ। हम इंसानों की बस्ती में क्यों रह रही हो। मधु को जानवरों से बहुत प्रेम था। कभी वो कुत्तों को खाने के लिए रोटी देती तो कभी बिल्ली को दूध पिलाती। ऐसे ही एक दिन मधु सुबह सुबह जंगल घूमने गई, तभी उसने एक चिड़िया घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे देखा। चिड़िया के पंख टूट गए थे। मधु को उस पर दया आ गई, फिर फौरन उस चिड़िया को उठाकर वो अपने घर ले गई। उसने चिड़िया के पंखों में पट्टी बांधी और खाने के लिए बाजरे के दाने और पीने के लिए पानी दिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया जब ठीक हो गई तो मधु उसे छोड़ने जंगल पहुंची। जैसे ही उसने चिड़िया को उस पेड़ के पास छोड़ा, उस चिड़िया ने एक परी का रूप ले लिया। ये देख मधु आश्चर्य से उस परी को देखने लगी। तभी परी बोली, मैं परीलोक की परी मीनाक्षी हूँ। मैं चिड़िया का रूप लेकर आसमान में घूम रही थी, तभी एक पतंग के मांझे से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर गई। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई लिपस्टिक है, इसे लगाते ही तुम सुंदर बन जाओगी। साथ ही तुम इस जादुई लिपस्टिक को लगाकर जो कुछ भी बोलोगी वो सच हो जाएगा। मीनाक्षी परी मधु को वो जादुई लिपस्टिक देकर वहाँ से अदृश्य हो गई। क्या सच में जादुई लिपस्टिक मेरे काले रंग को गोरा बना देगा? अपने होठों पर लगा कर देखती हूँ। मधु ने जैसे ही जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई, वो बहुत सुंदर दिखने लगी। अरे वाह, मैं तो सच में सुंदर दिखने लगी। अब देखती हूँ कौन मेरे रंग का मजाक उड़ाता है। अब इस जादुई लिपस्टिक की मदद से गांव में जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है उनसे मैं अपना बदला लूंगी। मधु मन में बदले की भावना लिए जादुई लिपस्टिक को लेकर गांव पहुँची। तभी रास्ते में उसने देखा मालती सच धज कर अपने होने वाले पति सुरेश से मिलने जा रही थी। मधु उसका पीछा करते हुए पार्क में जा पहुँची। मालती पार्क में बैठकर अपने होने वाले पति से बातें कर रही थी। अगले महीने हम शादी के बंधन में बन जाएंगे, फिर हम हनीमून मनाने मसूरी जाएंगे, कितना मजा आएगा। हाँ, मसूरी ही क्यों, और भी खूबसूरत खूबसूरत जगह जाएंगे। मेरी होने वाली खूबसूरत बीवी, तुम सच में बहुत ही खूबसूरत हो। मधु एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की बातें चुपके से सुन रही थी। इस मालती ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ना, इसे अभी मजा चखाती हूँ।
इतना कहकर मधु जादुई लिपस्टिक होठों पर लगाकर कहती है, मालती को 60 साल की बुढ़िया बना दो। मधु के इतना कहते ही मालती 60 साल की बूढ़ी औरत में बदल गई। अरे यहाँ अम्मा कहाँ से आ गई? मालती कहाँ हो तुम? अरे सुरेश मैं हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारी मालती। मैं एक बुढ़िया से शादी नहीं करूँगा, भागो यहाँ से। ये कहकर सुरेश बूढ़ी औरत बनी मालती को छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सुरेश मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, वापस लौट आओ। ये हुई ना बात, इस मालती की बच्ची को तो सबक सिखा दिया, अब उस गोपाल की बारी है। फिर मधु गोपाल को ढूंढते ढूंढते उसके घर जा पहुंची। गोपाल घर के हॉल में बैठकर चाय नाश्ता कर रहा था, तभी मधु चुपके से जादुई लिपस्टिक लगाकर बोली, गोपाल को एक बूढ़ा भिखारी बना दो। इतना कहते ही गोपाल एक बूढ़े भिखारी में बदल गया। तभी मधु गोपाल की माँ को आवाज देते हुए बोली, आंटी जी जल्दी से बाहर आइए, देखिए आपके घर में भिखारी घुस आया है और बैठकर चाय नाश्ता कर रहा है। इतने में गोपाल की माँ कमरे से बाहर आई। अरे भिखारी घर में कैसे घुस आया, चल जा यहाँ से। ऐसा कहते हुए उन्होंने गोपाल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये देख मधु मन ही मन बहुत खुश हुई। गोपाल को तो सबक सिखा दिया, अब मेरी प्यारी बहन रानी की बारी है। मधु जब घर पहुंची, रानी कमरे में बैठकर अपने बाल सवार रही थी। अरे आ गई तू, कहाँ थी काली बंदरिया? ये कहते हुए रानी ने जैसे ही मधु को देखा वो हैरान रह गई। अरे तू गोरी कैसे बन गई? बता मुझे। अभी बताती हूँ तुझे, रुको जरा। फिर मधु झट से जादुई लिपस्टिक होठों पर लगाकर बोली, जादुई लिपस्टिक इसे काली और बदसूरत बना दो। इससे पहले कि रानी कुछ समझ पाती, रानी बदसूरत और काली लड़की में बदल गई। अरे मेरे गोरे रंग को क्या हो गया, मैं इतनी काली कैसे हो गई? इस तरह जिन जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, एक एक करके मधु ने सबसे बदला लिया। गांव के सभी लोग परेशान हो गए। एक दिन मीनाक्षी परी गांव के ऊपर से गुजर रही थी, तभी उसने लोगों के रोने की आवाज सुनी। वो नीचे उतरी और गांव वालों से उनके रोने का कारण पूछा। आप सब लोग रो क्यों रहे हैं, क्या कोई परेशानी है? मधु पता नहीं कहां से जादू टोना सीखकर आई है, उसने मेरे बेटे को एक बूढ़ा भिखारी बना दिया और मेरी बेटी मालती को एक बुढ़िया, अब उसकी शादी कैसे होगी? ये सुनकर परी बहुत क्रोधित हो गई और वो तुरंत मधु के पास गई और बोली, मैंने तुम्हें अपने जादुई लिपस्टिक लोगों को परेशान करने के लिए नहीं दिया था। मैं जानती हूँ परी जी, लेकिन गांव वालों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए मैंने उनके साथ ऐसा किया ताकि भविष्य में वो कभी किसी और के साथ ऐसा ना करें जैसे उन्होंने मेरे साथ किया था। लेकिन मधु तुम्हारा ये तरीका गलत है, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने का। मैंने जादुई लिपस्टिक तुम्हें ये सोच कर दिया था कि तुम उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी और नेक लड़की मानती थी। परी की ये बात सुन मधु को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उसने परी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो परी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपनी जादुई लिपस्टिक वापस ले लीजिए और उन सभी लोगों को पहले जैसा कर दीजिए। परी अपनी जादुई लिपस्टिक लेते हुए बोली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारा रंग रूप नहीं बदलूंगी, तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। उसके बाद परी जादुई लिपस्टिक के जादू से उन सभी लोगों को पहले जैसा कर देती है। सभी लोग अपना रूप वापस पाकर परी का धन्यवाद करते हैं और मधु से भी किए हुए बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। परी अपनी जादुई लिपस्टिक लेकर परी लोग वापस लौट जाती है। वहीं मधु अपनी बहन रानी और माँ के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।